जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे बिना किसी मिस्टेक के। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक न हो। और गाइज, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दे। फिर जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 3306 पोस्ट निकाली है जिसके फॉर्म आप 24 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे। इसमें ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसी है। ग्रुप सी के अंदर स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस और ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। अभी आपके ग्रुप डी की पोस्ट के फॉर्म शुरू हुए हैं जिस पर 1639 पोस्ट है और आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। अब यहां पर जो आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए आपसे जूनियर हाई स्कूल और छठी और आपकी दसवीं की योग्यता मांगी है। और फीस की जानकारी भी आपको पोस्ट वाइज दी गई है। ग्रुप डी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी को 800 रुपये और ईडब्ल्यूएस को 700 रुपये, एससी एसटी को 600 रुपये देने होंगे। सैलरी की इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं उसकी वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आपको ग्रुप सी की पोस्ट पर अप्लाई करना है, जिसमें कि आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, फिर जो आपकी क्लरिकल काडर है यानी कि आपका जूनियर असिस्टेंट है और पेड अप्रेंटिस है वो पोस्ट है, और ड्राइवर ग्रेड 4 की पोस्ट है। तो अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आप इनमें से किसी एक लिंक का इस्तेमाल करके जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। पर अगर आप ग्रुप डी की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर ये फोर्थ लिंक ओपन करना है, क्योंकि सभी पर अप्लाई करने के लिंक आप जैसे कि देख सकते हैं कि अलग अलग है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहां पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहां पर क्लिक करके क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। अब आपके सामने कुछ विकल्प है। पहला विकल्प है कि आपके पास आधार नंबर है और आप इसके माध्यम से लॉगिन क्रिएट करते हुए इसमें जो लॉगिन है वो होना चाहते हैं। और सेकंड है कि आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट है और आप लॉगिन करके अपनी इंफॉर्मेशन डिजीलॉकर के माध्यम से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप सेकंड के ऊपर टिक करेंगे। तीसरा है कि आपके पास डिजीलॉकर अकाउंट नहीं है और आप उसको क्रिएट करते हुए यहां पर इसमें लॉगिन होना चाहते हैं। फोर्थ है कि आपके पास एबीसी आईडी है और उसी का इस्तेमाल करके आप इसमें अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं थ्रू एबीसी आईडी। और इससे नेक्स्ट है कि आपके पास एबीसी आईडी नहीं है और आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके एबीसी आईडी भी क्रिएट कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर लास्ट में है कि आपके पास पैन कार्ड है और आप इसके माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास इनमें से है उसी का इस्तेमाल कर लेगा। बाकी कुछ नहीं है ऊपर का और सिर्फ पैन कार्ड आपका बना हुआ है तो पैन कार्ड नंबर डालिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में जो आपका नाम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग या जो 5, 6 या 8वीं का जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो आप भरेंगे। फिर आपका जो भी फादर नेम है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे, आपकी मदर का नेम आप यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे, डे मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, आइडेंटिटी टाइप में इनमें से कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक या फिर कोई अन्य आईडी एक्सेप्ट आधार कार्ड, यानी कि जिस आईडी के ऊपर आपका फोटो लगा है वो आईडी अगर आपके पास कोई है तो आप यहां पर इसका इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसमें आपका जो आधार कार्ड है वो नहीं आना चाहिए क्योंकि आधार कार्ड के लिए अलग से यहां पर ऑप्शन दिया है। तो मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया जैसे कि मैंने कहा उसी का आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहां पर डालना है। फिर आधार कार्ड अगर आपके पास है आप यस करेंगे। यस करने के बाद में जो नाम आपका आधार कार्ड के ऊपर लिखा है वही एग्जैक्ट नेम आप यहां पर लिखेंगे, आधार नंबर देंगे और फिर आपको बोला है कि आई एम विलिंग फुली शेयरिंग माय आधार नंबर, यानी कि मैं अपनी मर्जी से अपना आधार नंबर शेयर कर रहा हूं, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर प्रेजेंट एड्रेस में जो आपके घर का नंबर है या नाम है वो लिख देंगे, लोकेलिटी क्या है वो लिख देंगे, पुलिस स्टेशन क्या है नजदीकी वो आप लिख देंगे। इन तीन लाइन के अंदर या फिर इन दो लाइन के अंदर आपका जो एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आपको एडजस्ट कर देना है और पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस स्टेशन लिखना है कौन सा नजदीकी लगता है और कंट्री आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ से स्टेट, उसके बाद में आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट एंटर करना है। अब आपका जो ईमेल एड्रेस है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे, उस ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करिएगा। अगर अलग
अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर इस तरह का होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देकर के यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से आपको आपका पासवर्ड बना लेना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और इसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। ये आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। आप एक एक करके अच्छे से सभी जानकारी चेक करेंगे, जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर टिक करके इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने ये जो यहाँ पर दिया है कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, इनको डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, सबमिट एंड सेंड ओटीपी करके यहाँ से यस कर देंगे। अभी आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया है, वो ओटीपी आप डालिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और वेरीफाई कर दीजिए। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद में आपको ईमेल के माध्यम से आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड किया जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो आप यहाँ पर फिल कीजिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर इस तरह से देखेंगे कि आपके सामने आपका ग्रुप डी का डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको फॉर्म को कंप्लीट करने से पहले आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना होगा, नहीं तो फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मोबाइल वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और सेंड ओटीपी कर दीजिए। इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी सेंड कर देते हैं। और अभी जो आपको ओटीपी मिला है वो यहाँ पर मोबाइल ओटीपी में डालिए, ये कैप्चा कोड डालिए और वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अभी आप यहाँ से ओके कीजिए, ओके करने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। अभी आप यहाँ पर कुछ जानकारी एडिट भी कर सकते हैं और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि जेंडर यहाँ पर दिया है, नेशनलिटी दी गई है। फिर पूछा कि आप यूपी के परमानेंट निवासी है, आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र है, अगर आप यूपी से है तो आप यस करें, अगर आप यूपी से नहीं है तो आप नो करें। फिर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, चाहे आप यूपी के अलावा अन्य किसी स्टेट में किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आते हो, अगर आप यूपी से है तब आप यस करके जो भी आपकी यूपी की रियल कैटेगरी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या आप यूपी के डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है आप उनके आश्रित हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप यहाँ पर विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद क्या आप एक्स सर्विस मैन है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। फिर क्या आप एक एम्प्लॉई है सेंट्रल के या स्टेट गवर्नमेंट के या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपके एड्रेस की जानकारी देखने को मिलेगी, जो कि आपको चेक कर लेनी है। और उसके बाद में नीचे आकर के आपकी जो होम स्टेट है वो आपको बतानी है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके ग्रुप डी के अंदर जो जो पोस्ट है वो देखने को मिलेगी, जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, प्यून, फर्रास, ईटीसी, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर कम फर्रास। तो आपको जिसको यहाँ पर अप्लाई करना है जिस पोस्ट पर, वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सभी पोस्ट को प्रेफरेंस दे दी है और आप देख सकते हैं कि दी कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर दी पोस्ट ऑफ स्वीपर कम फर्रास शैल बी पेबल ओनली ₹6,000 फिक्स्ड, यानी कि स्वीपर कम फर्रास की पोस्ट पर आपको यहाँ पर फिक्स्ड ₹6,000 दिए जाएंगे अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर आप इसमें ज्वाइन हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये चीज़ इन्होंने पहले ही आपको क्लियर की है। इसके बाद में नीचे आप आएंगे और आपसे पूछा कि डू यू प्रोसेस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्यूबवेल इश्यूड बाई एनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट मांगा है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन का, अगर आपने आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। और फिर आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी दे देंगे। और इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर्टिफिकेट इश्यूंग डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ ये वाला, वो आप यहाँ पर बता देंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप ट्यूबवेल ऑपरेटर की पोस्ट को अनटिक कर दे, अगर है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर दे जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि बाकी पोस्ट पर कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। और जैसे कि अगर मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की पोस्ट को अनटिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर सिंपली मैं नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देखने को मिलेगी, आपसे पूछा कि डू यू प्रोसेस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, क्या आपके पास पीजी डिग्री है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा कि क्या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने किया है तभी आप यस करिएगा। और फिर ग्रेजुएशन की जानकारी दीजिएगा, जिसमें कि पास सिलेक्ट करना है, ईयर ऑफ पासिंग बताना है,
है, कोर्स स्ट्रीम देना है, आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम देना है और नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड एड्रेस देना कि कहाँ से आपने की है, रोल नंबर देना होगा, फाइनल ईयर का रिजल्ट मोड बताना होगा और अगर आपने नहीं की है ग्रेजुएशन तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। फिर पूछे कि आपने 12वीं पास की है, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर फिर आपको सेम तरीके से बताना है कि आपने पास कर ली है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में किस स्ट्रीम से की है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर अदर, जिससे भी की है वही आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ बोर्ड है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस है वो एंटर करना होगा, जैसे कि मैं आपको यहां पर एंटर करके एक बार दिखा देता हूं इस तरह से। फिर आपको यहां पर आपका जो रोल नंबर है वो भी एंटर करना होगा। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो बताएंगे कि टोटल नंबर आपके क्या थे और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे, जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ और टोटल नंबर, फिर जो नंबर आए थे वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद आता है टेंथ का क्वालिफिकेशन का सेक्शन, तो आप यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने जो आपकी 10वीं है वो पास की है और उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो बोर्ड नेम है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको सेम तरीके से आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन की है, 10वीं का जो रोल नंबर था वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। रिजल्ट मोड क्या था वो सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल नंबर यहां पर डाल देंगे, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर भरेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव और नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव और नेक्स्ट कर देंगे। अभी आप यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करेंगे और बाकी कुछ चीज़ें भी आपको अपलोड करनी है। बोला है कि आपका फोटो 1 जुलाई 2024 के बाद का होना चाहिए और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि आपको फोटो के नीचे डेट लिखनी है, ऐसा नहीं लिखा है। तो सिंपल है कि आपका फोटो 1 जुलाई 2024 के बाद का खींचा होना चाहिए और फोटो का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा आपको बोला है। तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यह फाइल सिलेक्ट की, ओपन किया, इस तरह से आपका फोटो आएगा। आप इस तरह से फोटो को क्रॉप कर लेंगे, फिर अपलोड क्रॉप इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपका फोटो देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो एक कैप्चर भी करना है, लाइव फोटो, तो आप क्लिक टू कैप्चर इमेज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका कैमरा अलाउ करके अपना फोटो कैप्चर कर लेंगे। इसमें आपको प्लेन बैकग्राउंड अपना पीछे का रखना है और फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। तो गाइज यहां पर आपका फोटो कैप्चर होकर के आपको देखने को भी मिलेगा। अगर सही से कैप्चर ना हो तो एक बार फिर से उसको क्लिक टू कैप्चर इमेज के ऊपर क्लिक करके कर लीजिएगा। अभी आप यहां पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं क्या है और साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है। तो आप यहां पर सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर आपकी साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। आपका यहां पर जो साइन है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहां पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जहां पर भी फाइल है सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहां पर आ जाएगी और उसके बाद में आप यहां पर इन सभी फाइल को चेक भी कर सकते हैं, यानी कि वेरीफाई कर सकते हैं देख करके। अब आप यहां पर सेव और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको जानकारी सही लगे तो आप नीचे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहां पर इन सभी के ऊपर टिक करें, जिनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हां आपने सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपको लगता है कि यहां सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे। तो फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है बट अभी ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए और यहां पर SBI वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। अभी आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तब जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। सो गाइज इस तरह से आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की पोस्ट का फॉर्म फिल करेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।